नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ हमारे पास बोतल है, तो इस बोतल में हमने सारे पार्ट्स इसके अलग अलग बनाए थे। ये हमारा लिक्विड वाला पार्ट हो गया, ये हमारा कैप हो गया और ये हमारा बोतल वाला पार्ट हो गया। तो करना क्या है, इस बोतल को पकड़ना है, यहाँ से मॉडलिंग वाले टैब में रहना है और यूवी एडिटर में आ जाना है। जैसे ही आप यूवी एडिटर को ओपन करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास दो यूवीज हैं। तो मैं एज मोड में आ जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ इस पर, तो ये हमारा एज लूप सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे यूवी एडिटर में आता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ शिफ्ट राइट क्लिक और यहाँ पे करना है कट। देख सकते हो, और यहाँ पे इसका साइज डिफाइन कर सकते हो कि कितने साइज का आपका टेक्सचर होना चाहिए। ये 2K साइज है। तो हम शेडर, यहाँ से हाइपर शेडर को ओपन करते हैं, AI सरफेस शेडर, और यहाँ पे प्रीसेट में जाके इसको ग्लास और रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैं दोबारा से यहाँ पे शेडर में आता हूँ और यहाँ पे फिर से ही AI स्टैंडर्ड सरफेस शेडर लेता हूँ और इसको नाम कर देता हूँ लेबल। तो वहाँ हमारे पास दो शेडर्स हैं, ये हमारा ग्लास शेडर है, ये हमारा लेबल शेडर है। आप देख सकते हो कि लेबल हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो शेडर मिक्स शेडर, इसके आउटपुट को इसके फर्स्ट में लगाना है और इसके आउटपुट को इस मिक्स के सेकंड में लगाना है। तो इस अल्फा चैनल को हम इस मिक्स शेडर में ऐड कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि क्लियर तरीके से कि हमारा ग्लास और हमारा लेबल दोनों आ चुके हैं। तो एक बार मैं इसके लिए बेस बना लेता हूँ। इसमें हम यूज़ करेंगे बेवल इस एज के ऊपर। तो बेवल जैसे मैंने सेलेक्ट करा, आप ही सब कुछ पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने सब कुछ पहले से एक्सप्लेन करा हुआ है। ये बस शेडर वाला पार्ट इसमें नया है और रेंडरिंग वाला पार्ट नया होगा, ठीक है। अब हमें इस कैप पे टेक्सचर लगाना है, तो ठीक है। और आप यहाँ प्रीसेट्स में आके इसको कर सकते हो गोल्ड, तो ये अपने आप ही पूरा पूरा गोल्ड में हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं, दोबारा प्रीव्यू ऑन करते हैं। और लिक्विड को अनहाइड करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, वही राइट क्लिक और असाइन न्यू मटेरियल, और इस पर भी यही स्टैंडर्ड सरफेस शेडर मटेरियल अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे इसको नाम कर देता हूँ लिक्विड। तो इसको यहाँ पे प्रीसेट में हमने क्या किया था, क्लियर वाटर किया था। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन क्या है, हमारा ट्रांसपेरेंसी के लिए वर्क करता है। तो हमारा फुल ट्रांसपेरेंट है बट वाइट कलर है, वाइट कलर मतलब कोई कलर ही नहीं है। तो इस पर मैं आता हूँ और इसको कलर करते हैं रेड, वाइन की तरह थोड़ा डार्क रेड करते हैं। ओके, वाइन का कलर डार्क रेड हो चुका है। और अगर आपको कलर वो ठीक नहीं लग रहा तो वापस से यहाँ पे आइए और इसको कलर को यहाँ से लाइट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि वाइन का कलर थोड़ा सा लाइट हो चुका है। ओके, तो मैं इसको प्रीव्यू को रोकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा शेडिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं रेंडरिंग का पार्ट। रेंडरिंग करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो इस बोतल के हमारे तीनों पार्ट्स अलग हैं, इनको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आउटलाइनर में इनको सिलेक्ट करूँगा, बोतल लिक्विड एंड देन कैप, और कंट्रोल जी प्रेस करूँगा। कंट्रोल जी प्रेस करते ही हमारा ये एक ग्रुप बन जाएगा। तो मान लेते ये कंपोजिशन हमारी फाइनल है। तो अब मैं जाता हूँ सेटिंग्स पे और यहाँ पे कॉमन सेटिंग्स में, और यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है कि किस रेजोल्यूशन का मेरे को इसको रेंडर करना है और किस फॉर्मेट में मेरे को इसको एक्सपोर्ट करना है। कैमरा सैम्पल्स को मैं 10 रखता हूँ, इस पर जाना है और यहाँ से अपना रेंडर सेलेक्ट करना है और रेंडर पर जाके अपना कैमरा सेलेक्ट करना है। तो हमारी जो इमेज है वो रेंडर हो चुकी है। तो उसको सेव करने के लिए हमें करना क्या है, फाइल पे जाना है और सेव इमेज एज, आपको रो पे नहीं करना, आपको यहाँ पे कलर मैनेज्ड पे करना है, देन अप्लाई एंड क्लोज।
और फिर इसको सेव इमेज करना है जहाँ पे भी आप चाहते हो। तो हमारी फ़ोटो यहाँ पे सेव हो गई। तो ये मैंने जो लाइटें लगाई थी वो HDRI यूज़ नहीं की थी, यहाँ पे खुद ही 3-point लाइट सेटअप बनाया था, और ये हमने सिंपली HDRI से। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को अनरैप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज, आप सभी का शुक्रिया। बी सेफ।